हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी में जहां अभी तक शाहरुख के बेटे आरुण खान का नाम सामने आया था, तो वहीं इस हाई प्रोफाइल केस में एक और बड़े नाम से पर्दा उठ चुका है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस क्रूज पर एक बड़े एक्टर की बेटी भी मौजूद थी। मेरी जानकारी के मुताबिक क्रूज पर जो रेव पार्टी चल रही थी, उसमें ड्रग्स की लत में डूबे हाई प्रोफाइल लोग अपनी पैंट की सिलाई में, महिलाओं के पर्स के हैंडल में, अंडरवेयर के सिलाई वाले हिस्से में और कॉलर की सिलाई में ड्रग्स छिपाकर ले गए थे। शनिवार को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की। एनसीबी को क्रूज पर ड्रग पार्टी होने का पता चला था, जिसके बाद अधिकारी भेष बदलकर सादे कपड़ों में पार्टी में शामिल हुए और उसका भंडाफोड़ किया। मुंबई के क्रूज शिप में हुई ड्रग्स पार्टी में जिन लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया है, उनके नाम सामने आ चुके हैं। शाहरुख खान के बेटे आरुण खान के अलावा इसमें 7 और लोग शामिल हैं। उनके नाम है मुनमुन धामेचा, नूपुर सारिका, इश्मीत सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत चौकर, गोमित चोपड़ा और बास मर्चेंट। हालांकि उन्हें हिरासत में लिया गया है या नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। तो वही बात करें शाहरुख के लाले क्रूज पर आर्यन खान की, तो बता दें आर्यन खान अरबाज नाम के एक शख्स के साथ क्रूज पर पहुंचे थे। आर्यन वीआईपी गेस्ट थे, इसलिए उनकी कोई एंट्री फीस नहीं ली गई थी। अरबाज एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने जूतों में ड्रग्स छुपाए क्रूज पर पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक कॉड्रेला द इम्प्रेस नाम के जिस क्रूज में ड्रग पार्टी हो रही थी, उसकी एंट्री फीस 60,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक रखी गई थी। एनसीबी छापेमारी के दौरान क्रूज पर करीब 600 हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, जबकि इस वर्ल्ड क्लास क्रूज की क्षमता करीब 2,000 लोगों की है। ये तमाम बड़े हाई प्रोफाइल लोग इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस पार्टी में आमंत्रित किए गए थे। एनसीबी ने छापा मारा और सफलता मिली। उन्होंने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए, जिनकी कीमत करोड़ों में है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी में एनसीबी टीम को 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकीन, 25 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स की टैबलेट और करीब 10 ग्राम एमडी ड्रग्स मिले हैं। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी से पूछताछ में आर्यन ने कहा कि पार्टी में उनके नाम पर लोगों को बुलाया गया था। एनसीबी ने आर्यन का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। उनको मोबाइल फोन नहीं दिया जा रहा, उनकी फोन की चैट और कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। पुख्ता जानकारी मिलने पर आगे की कार्रवाई करने की बातें भी एनसीबी के द्वारा कही जा रही है। इसके अलावा उनके साथ जो इस महिला की फोटो वायरल हो रही है, उसके बारे में भी काफी कयास लगाए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि एक बड़े बाप की बेटी है जो कि ड्रग्स केस में आर्यन खान के साथ फंसी है। ऐसे में ये जो तस्वीर आर्यन खान के साथ वायरल हो रही है इस महिला की, तो आपको क्या लगता है ये कौन है, ये किस एक्टर की बेटी है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डेली बज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।